ने जो बजट पेश किया है वो जुमलों का बजट है। इन्होंने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। एक तरफ इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के बारे में खुद की पीठ थपथपाते हैं और दूसरी तरफ वो किसानों को उनकी खेती घाटे के होने के कारण 6,000 रुपये देने की बात करते हैं। 6,000 में से इस साल तो सिर्फ 2,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन कम किया इसका मतलब क्या? इन्होंने पेट्रोल डीजल नहीं कम किया, इन्होंने कोई किराया कम नहीं किया, इन्होंने कम किया जो किसान बेचता है वो अनाज कम किया, उसके रेट कम किया। उसका नतीजा ये हुआ कि इस साल सरकार ने जो MSP डिक्लेयर की है उस MSP से भी 1,000 या 1,500 रुपये कम दाम में किसानों ने अपनी फसल बेची है। छोटे से छोटे किसान तकरीबन 1,520 क्विंटल तक अपना फसल मार्केट में बेचता है। इसका मतलब उसका नुकसान 20-22,000 रुपये हो चुका है सरकार की नीतियों के कारण, इनके इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के कारण, और उसके मुंह पे ये भीख दे रहे हैं सिर्फ 6,000 रुपये। ये कैसी इंसाफी है? ये सरासर किसानों के साथ विश्वासघात है। अगर किसानों को मदद करनी है तो उसका कर्जा माफ करना चाहिए था, ये इन्होंने किया नहीं, इसकी बात तक नहीं की। इसलिए ये बजट किसानों का बजट नहीं, ये जुमलों का बजट है। ये लालच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें वोट दो फिर आप सत्ता में आते हैं और फिर आपको हम लाइन कही। उन्होंने कहा कि ये बजट कुछ भी नहीं है, प्रधानमंत्री री इलेक्शन योजना है। तो जैसे मोदी सरकार की तमाम योजनाएं फेल हो गई हैं, वैसे ये भी योजना फेल हो जाएगी, ऐसी हमारी पहली प्रतिक्रिया है। जो मध्यम वर्ग के लिए बड़ी बात कर रहे हैं कि हमने 5,00,000 रुपये तक का जो सालाना इनकम है उसको टैक्स मुक्त कर दिया है, बड़ा अजीबोगरीब सवाल है। मोदी सरकार ने अभी अभी बताया कि जिनकी कमाई पूरे साल में 8,00,000 रुपये तक है वो गरीब की श्रेणी में आते हैं और उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, कोटा दिया जाएगा, लेकिन उसी गरीब को बोला जाता है कि तुम टैक्स भी दो। ये एक विरोधाभास है। किसानों के लिए जो 500 रुपये का जो एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता। कहाँ बोला था उन्हें कि सबके अकाउंट में 15,00,000 रुपये आएंगे और ये 500 रुपये का एक पत्ता पकड़ा रहे हैं। अब सर एक इसमें बजट जिन्होंने ये दिया वो भी मुंबई से रिलेट कर रहे हैं, पीयूष जो जिनकी है, क्या मिला मुंबई को? आप कुछ नहीं मिला, ये मुंबई के लिए कुछ नहीं दे सकते। ये बेसिकली पूरा बजट मोदी जी के लिए था। मोदी जी इलेक्शन में जा रहे हैं और जबरदस्ती एक तो फुल बजट पेश कर दिए जो कि अलाउड नहीं है, ये एक वोट एंड अकाउंट होना चाहिए था। फिर भी ये बेसिकली एक इलेक्शन जीतने के हिसाब से किया हुआ एक्सरसाइज है। फॉर एग्जांपल अगर टैक्स रेट्स में जो फेर बदल की बात हो रही है वो फाइनेंस बिल में आता है, फाइनेंस बिल पास ही होगा जाके मई में से पहले तो इलेक्शन हो जाएगा, तो इलेक्शन से पहले किसी के हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। ये महत जैसे पूरे 5 साल से बीजेपी सरकार झूठ बोलती आ रही है, इसमें भी आज के बजट भाषण में भी उनके एक एक शब्द में सिर्फ झूठ और झूठ दिखता है। कांग्रेस